बेस पढ़ा हमने। कॉमन बेस कैसा था कि ध्यान दीजिए अपने डायग्राम पर, बेस कॉमन है आपके एमीटर के साथ भी, इनपुट के साथ भी और आउटपुट के साथ भी। अब हम कॉमन एमीटर, यानी एमीटर को कॉमन रखा जाएगा इनपुट सिग्नल के साथ भी और आउटपुट सिग्नल के साथ भी। लगभग लगभग सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ट्रांसिस्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूं किसके लिए, पीएनपी के लिए। ये आपका बेस कलेक्टर और ये एमीटर रेजिस्टेंस, कौन सा हुआ ट्रांसिस्टर, पीएनपी। रेजिस्टेंस लगाया वही इनपुट रेजिस्टेंस। अब देखिए ध्यान से, आपको बेस एमीटर रखना है किसमें, बेस एमीटर रखना है किसमें, फॉरवर्ड बायस में। इस बार बेस आपका कैसा है, बेस है आपका एन टाइप, तो इसे आपने जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और पॉजिटिव टर्मिनल से किसे कनेक्ट किया आपने, एमीटर को कनेक्ट किया। हो गया फॉरवर्ड बायस में, बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आ गया, एमीटर को आप अर्थ कर देंगे। यहां भी इनपुट सिग्नल आपको देने हैं बेस पर कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर बोलते हैं इसे, फिल्टर कैपेसिटर C1 के थ्रू आपने कहां दिए, इनपुट सिग्नल दिए बेस पर। ये आपका हुआ इनपुट सिग्नल्स। कैसे होंगे, लो एम्पलीट्यूड लो करंट, लो एम्पलीट्यूड लो पावर सिग्नल, करेक्ट। मेजर करंट इस टाइम कहां से कहां है, देखिए मेजर करंट है एमीटर से कलेक्टर की तरफ को, पीएनपी में करंट की डायरेक्शन होती है, मेजर करंट की डायरेक्शन एमीटर से कलेक्टर, ठीक है। अब आपने कलेक्टर को रखना है लोअर पोटेंशियल पर और एमीटर को रखना है कहां, हायर पोटेंशियल पर, ताकि करंट वैल्यू कहां से कहां, एमीटर से कलेक्टर की तरफ चल सके। समझ रहे हैं बात ध्यान से, आपने आउटपुट रेजिस्टेंस लगाया कलेक्टर सर्किट में आर आउटपुट, ठीक है। बैटरी लगानी है वीसीसी, ये बैटरी आपकी कौन सी है, वी बी बी, बैटरी वीसीसी लगानी है, लेकिन इस बार करंट की डायरेक्शन कहां, एमीटर से कलेक्टर, तो कलेक्टर को लोअर पोटेंशियल पर और बेस एमीटर को कहां, हायर पोटेंशियल पर आपने लगा दिया, ठीक है। हम इसको बोलते हैं कि कलेक्टर एमीटर रिवर्स बायसिंग में है, कलेक्टर एमीटर किस में बोला जाता है, रिवर्स बायसिंग में। और अब आपके कलेक्टर के और एमीटर के बीच में आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहां मिलेगा आउटपुट सिग्नल। हाँ जी हाँ, आउटपुट सिग्नल कैपेसिटर लगाना पड़ेगा वरना फूक जाएगा सारा, 2 मिनट भी नहीं लगेगी, धुआं उठता हुआ दिखाई देगा, फूक जाएगा सब, आउटपुट सिग्नल, करेक्ट। आउटपुट सिग्नल कैसा होगा इस बार, इस बार थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो मिलेगा निगेटिव हाफ, और जब निगेटिव हाफ आएगा तो हमें मिलेगा पॉजिटिव हाफ, अपोजिट फेस में मिलेगा आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल इज इन अपोजिट फेस विद रेस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल, ठीक है। यहां फिर से हम वो एक वर्चुअल सोर्स बना लेंगे, यहां ये बैटरी कौन सी है, बैटरी है वीसीसी, और ये कलेक्टर निगेटिव पर और आपका बेस पॉजिटिव पर, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, वीसीई, कलेक्टर का पोटेंशियल एमीटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कीजिए, वर्किंग इसकी भी लगभग लगभग वैसी, ऑलमोस्ट वही वर्किंग है इसकी, कैसे, ये आउटपुट सर्किट में हम किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट सर्किट में किरचॉफ लॉ आपने अप्लाई किया, वही क्लॉकवाइज पहले करंट की डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, ये बना आपका आईई, ये आईसी और
आईबी, यहां जंक्शन पर आकर फिर वही कंडीशन बन रही है आईसी और आईबी, आईसी और आईबी मिलकर क्या बना रहे हैं, आईई बना रहे हैं, है ना। तो यहां हमने लगाया किरचॉफ लूप, किरचॉफ लॉ क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, ऐसे चल रहे हैं हम, माइनस का वीसी और फिर उसके बाद प्लस में वीसीसी और इज इक्वल टू में केवल एक ही करंट है आईसी और करंट का रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन आईसी आर आउटपुट, ठीक है। फिर से वही कंडीशन हमने लेनी, इसे ऊपर घर आगे पीछे कर लिया, तो वी सी ई इज इक्वल टू कितना बना, वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर आउटपुट। अब वी सी ई को क्या लिखेंगे, कलेक्टर वोल्टेज माइनस एमीटर वोल्टेज इक्वल्स वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर आउटपुट। और यहां आपने एमीटर को क्या किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है, तो एमीटर इज अर्थड, तो इसलिए वीई कितना हो जाएगा आपका, जीरो। और अब आपके पास क्या बचा, वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर आउटपुट। वही चीज निकल कर आई, अब भी क्या कलेक्टर वोल्टेज वेरी करेंगे किसके साथ में, कलेक्टर करंट के साथ में, कलेक्टर करंट के साथ में वोल्टेज वेरी करेंगे, करेक्ट। वर्किंग भी वही है ऑलमोस्ट, आपने देखिए बेस एमीटर जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बायस दिया हुआ है, फॉरवर्ड बायस इस बार कैसे दिया हुआ है, देखिए कि बेस आपका निगेटिव है और एमीटर आपका पॉजिटिव, एमीटर को जीरो जीरो पर मान ले तो एमीटर के रेस्पेक्ट में बेस कैसा है, पॉजिटिव है, क्लियर है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, एमीटर के रेस्पेक्ट में बेस आपका निगेटिव है। अब पीछे से पॉजिटिव पार्ट आया सिग्नल का, सिग्नल का पॉजिटिव पार्ट आया, तो पॉजिटिव पार्ट बेस को लेस पॉजिटिव, लेस निगेटिव कर देगा। अभी फिर से ध्यान से देखिए, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या कंडीशन बन रही है कि बेस इट एज बेस इज एट निगेटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एमिटर, एन टाइप है बेस, तो बेस को आपने किससे जोड़ा है, निगेटिव से जोड़ा है। एमीटर कैसा है, पी टाइप है, तो बेस को आपने एमीटर को कहां से जोड़ा, पॉजिटिव से जोड़ा है। बेस इज निगेटिव विद रेस्पेक्ट टू एमीटर। सपोज आपने ये 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा रखी, 1.5 माइनस वोल्ट है किसका, बेस का, एमीटर का वोल्टेज जीरो और बेस का वोल्टेज -1.5, पीछे से पॉजिटिव सिग्नल आया जिसकी पीक वैल्यू +0.5 है, तो जैसे जैसे आगे से पीछे से आने वाला ये सिग्नल राइज करता है वोल्टेज में, वैसे वैसे बेस होता जाएगा लेस 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 निगेटिव, समझ रहे हैं। निगेटिव आपने दिया हुआ है बेस को वीबीवी बैटरी से, और पीछे से जो सिग्नल आ रहा है ये बेस को पॉजिटिव करने की कोशिश में है, तो फिर बेस क्या होगा, लेस निगेटिव हो जाएगा। लेस निगेटिव होने का मतलब बेस एमिटर जंक्शन के बायस में अपोज हुआ, उल्टा हिसाब है। पीछे से देखो, पहले हमारा कॉमन बेस में ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ सिग्नल सपोर्ट कर रहा था किसे, बेस एमिटर जंक्शन के बायसिंग को, लेकिन इस बार ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ सिग्नल अपोज बेस जंक्शन, बायस ऑफ बेस जंक्शन, बेस एमिटर जंक्शन, करेक्ट। लिखते हैं फिर से वही सीक्वेंस लिखते हैं सारी, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले यहां देखते हैं। तो आपका क्या आया, पॉजिटिव पार्ट ऑफ सिग्नल, पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट सिग्नल, इसने क्या काम करा, इसने अपोज किया, अपोज किसको अपोज किया, फॉरवर्ड बायस ऑफ बेस एमिटर जंक्शन, फॉरवर्ड बायस ऑफ बेस एमिटर जंक्शन को इसने क्या किया, अपोज किया। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए ध्यान से, जब इसने अपोज किया फॉरवर्ड बायसिंग को, तो आपकी बेस करंट डिक्रीज हो जाएगी, बेस करंट क्या हुई, डिक्रीज। और बेस करंट डिक्रीज होने का इफेक्ट किस पर पड़ा,
कलेक्टर करंट पर, देर इज डिक्रीज इन कलेक्टर करंट। तो फॉरवर्ड बायस का अपोज हुआ, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका इफेक्ट पड़ा कि आई बी डिक्रीज हो गई, आई बी की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। आई बी के डिक्रीज होने से क्या बना, आई सी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, अगर आई सी की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है तो फिर आई सी आर नॉट का प्रोडक्ट, आई सी और आर आउटपुट का प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो गया। अब आपको वीसीसी कांस्टेंट है तो वीसीसी में से आपको स्मॉलर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। कलेक्टर वोल्टेज क्या होगा, कलेक्टर वोल्टेज कैसा जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कलेक्टर वोल्टेज इंक्रीज होने का यहां क्या मीनिंग है, कलेक्टर इज निगेटिव, कलेक्टर इज निगेटिव, और जब कलेक्टर का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कलेक्टर बिकम मोर निगेटिव। किसके रेस्पॉन्ड में, पॉजिटिव हाफ के रेस्पॉन्ड में कलेक्टर बिकम मोर निगेटिव। आईसीआर नॉट हुआ तो फिर इसका इफेक्ट क्या बना, इसका इफेक्ट बना वीसी का इंक्रीज होना। और सिंस कलेक्टर इज एट निगेटिव पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग यह हुआ कि इंक्रीज, इंक्रीज इन कलेक्टर वोल्टेज रिजल्ट किसमें रिजल्ट करता है, रिजल्ट इन किसमें, कलेक्टर गो मोर निगेटिव, कलेक्टर और ज्यादा निगेटिव हो गया। किसके रेस्पॉन्ड में, पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट के रेस्पॉन्स में कलेक्टर और ज्यादा निगेटिव हो गया। कलेक्टर और ज्यादा निगेटिव हुआ तो पॉजिटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिला, आपको निगेटिव हाफ मिला। तो आपको आउटपुट पर क्या मिला, निगेटिव हाफ इज ऑब्टेन्ड एट आउटपुट, आउटपुट पर आपको क्या मिला, निगेटिव हाफ मिला। अब इसकी जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये इनपुट आपका, इनपुट सिग्नल वोल्ट में, करेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट में बनाया हुआ आपने, ये इनपुट सिग्नल का वेरिएशन हुआ, छोटा सा वेरिएशन बिल्कुल। कॉरस्पॉन्डिंगली आपको क्या मिला, आउटपुट सिग्नल का वेरिएशन मिला, लेकिन ये वेरिएशन कैसा होगा, लार्जर वेरिएशन होगा ये। लेकिन इस बार क्या हुआ आपका, इस बार क्या हुआ, जब पॉजिटिव हाफ आया तब आपको आउटपुट पर क्या मिलने वाला है, तब आपको आउटपुट पर लार्जर एम्पलीट्यूड का निगेटिव हाफ मिलने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव आता रहेगा वैसे वैसे कलेक्टर आपका और ज्यादा निगेटिव और ज्यादा निगेटिव और ज्यादा निगेटिव होता चला जाएगा। जब पॉजिटिव कम होने लगेगा तो कलेक्टर लेस पॉजिटिव होकर फिर वहीं वापस अपनी जगह आ जाए। अब दूसरी बात ध्यान से देखिए, निगेटिव पार्ट ऑफ सिग्नल आया, निगेटिव पार्ट ऑफ सिग्नल ने क्या काम किया, फॉरवर्ड बायस ऑफ बेस एमिटर जंक्शन को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि बेस तो ऑलरेडी निगेटिव आपने रखा हुआ है एमिटर के रेस्पेक्ट में, कुछ और निगेटिव किसने कर दिया, निगेटिव हाफ ऑफ इनपुट सिग्नल ने कुछ और निगेटिव कर दिया। बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस को सपोर्ट मिला, फॉरवर्ड बायस को सपोर्ट मिला तो बेस करंट इंक्रीज, बेस करंट इंक्रीज होने से कलेक्टर करंट इंक्रीज हो गई। और जैसे ही जैसे जैसे आपकी कलेक्टर करंट इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे आपको वीसीसी में से लार्जर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि ये क्या होगा, कम हो जाएगा, लेस निगेटिव हो जाएगा। लेस निगेटिव होने का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का घटता चला जाएगा, लेस निगेटिव का मतलब पॉजिटिव हाफ आपको मिल जाएगा। तो आपको अब निगेटिव हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या मिलेगा, निगेटिव हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग में आपको
पॉजिटिव हाफ मिलेगा आउटपुट सर्किट पर, लार्जर एम्पलीट्यूड मिलेंगे, लेकिन इस बार आपके दोनों के दोनों हाफ अपोजिट हो जाएंगे। तो फिर आप क्या कहेंगे कि आउटपुट सिग्नल इनपुट के साथ कैसा है? अपोजिट फेस में। सीधा हम क्या कहते हैं, क्या आउटपुट सिग्नल इज इन अपोजिट फेस। किसके सिग्नल, किस में? विद इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल के हिसाब से, इनपुट सिग्नल के कंपैरिजन में, इनपुट सिग्नल के रेस्पेक्ट में आउटपुट सिग्नल आपका कैसा आ रहा है? अपोजिट फेस में आ रहा है। ठीक है, ये वाली सीक्वेंस जल्दी से लिखिए, उसके बाद फिर किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहे हैं। और यहां तक लिखिए छोटा सा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इसके गेन फाइंड करेंगे। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि आप एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाता है कि आउटपुट अपोजिट फेस में क्यों होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। अपने आप में ये दो नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, लिखते हैं इसे। व्हेन पॉजिटिव पार्ट ऑफ इनपुट सिग्नल अपीयर, व्हेन पॉजिटिव पार्ट ऑफ इनपुट सिग्नल अपीयर ऑन बेस एमिटर ऑन बेस एमिटर जंक्शन, इट डिक्रीज द फॉरवर्ड बायस ऑफ बेस एमिटर जंक्शन। इट डिक्रीज द फॉरवर्ड बायस ऑफ बेस एमिटर जंक्शन। कॉरस्पॉन्डिंगली बेस करंट आई बी डिक्रीजेस, बेस करंट आई बी डिक्रीजेस विच इन टर्न डिक्रीज कलेक्टर करंट आई सी। Since VCC is constant, therefore collector voltage VC increases. Since the collector is negative with respect to emitter, increase in collector voltage result in collector go more negative. Therefore, negative half. Therefore, negative half of output signal appear across collector emitter. Next paragraph. Similarly, when negative part of input signal appear, similarly when negative half of input signal appear positive half of output signal appear across collector emitter.
नेक्स्ट पैराग्राफ से, इन दिस वे द आउटपुट सिग्नल इज इन अपोजिट फेस. इन दिस वे आउटपुट सिग्नल इज इन अपोजिट फेस विद रेस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल. और अपोजिट फेस में कितना आउट ऑफ सिग्नल होता है, कितना आउट ऑफ फेस होता है, अपोजिट फेस का मतलब कितना कितना फेस डिफरेंस, पाई, ठीक है, लिख लीजिए. और आउटपुट सिग्नल इज आउट ऑफ फेस बाय अ फेस एंगल पाई विद रेस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल.